हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो यूनिट हमारी चल रही है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है पहले वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं और कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। पहले तो क्या बोलता है, व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ये ऐसा बोलता है कि जब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्ट होता है तो उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें याद रखो, जैसे सपोज करो हमने एक एग्जांपल दे रखा है ये वाला HF दे रखा है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास HF है तो फ्लोरीन तो नेगेटिव होता है, पता है, तो डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन पर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो देखो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है फ्लोरीन। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, पॉजिटिव वाला भाग कौन सा है, हाइड्रोजन। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये देखो, तो इसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, सपोज करो हम ले लें H2O वाटर, H2O को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव तो डेल्टा नेगेटिव दिखा दिया, हाइड्रोजन पर होता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब जो दूसरा H2O होगा उसको मैंने ऐसे लिख दिया है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो देखो ये H2O का मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव पार्ट ये वाला है, इस H2O के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन वाला पार्ट ये है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बच्चे क्या समझते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अट्रैक्शन है इसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ याद रखनी है वो क्या, कि जो दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट होगा ना वो या तो फ्लोरीन होना चाहिए या तो ऑक्सीजन होना चाहिए या तो नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते। तो कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नंबर वन क्या बोलता है कि द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यह बोलता है कि जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है HF है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया H2 और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी बात करें, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे मैंने अल्कोहल लिख दिया ROS, जैसे अमोनिया लिख दिया मैंने अमोनिया ये। ठीक है, यहाँ पर देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, अभी बनाई नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन ये शर्त का पालन कर रहा है कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बना सकता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, O के साथ H है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसमें क्या है N के साथ H है, इसमें क्या है O के साथ H है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबके सब बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कहें कि फोन होना चाहिए हमारे पास फोन, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो किसी मॉलिक्यूल में, या किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, या किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करेंगे। समझ रहे हो, मतलब फोन होना चाहिए, याद रखना है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई ना, ये वाली, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, देखो पहला क्या बोला मैंने, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, तो इसलिए दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन का पालन कर रहा है, तो अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो अट्रैक्शन होगा इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, सेम अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है, क्या अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, हाँ बना सकता है, क्योंकि O के साथ H जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कैसे बनाएगा कि इसका नेगेटिव वाला पार्ट दूसरे अल्कोहल के पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएगा किसी अट्रैक्शन के द्वारा, उसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, कौन सी होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, थोड़ा सा बता रहा हूँ पहले। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। उसी मॉलिक्यूल में हाईली पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन भी होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से एक होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, तब बोलते हैं इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोमोनियम। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव वाला पार्ट भी होगा, एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव वाला पार्ट भी होगा, तब बोलते हैं इंट्रा। मतलब इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। इंटर में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, उसमें एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला भाग दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव वाले भाग से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तब बोलते हैं इंटर। मतलब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट अकर्स विद इन ए मॉलिक्यूल, ऐसी बॉन्डिंग बोल रहा है जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल होगा उसी के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सपोज करो मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिख दिया, ये है OH, ठीक है, नोल है। अब इसके ऑर्थो वाली पोजीशन होती है, तो यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं, यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं, नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ अट्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो ये इसको ही बोलेंगे हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक ही है, उसी में क्या है पॉजिटिव वाला भाग भी है, उसी के अंदर क्या है नेगेटिव वाला भाग भी है। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट अकर्स बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ऊपर में था तो एक ही मॉलिक्यूल था, उसी का नेगेटिव था, इसी का पॉजिटिव था, इसमें ऐसा नहीं है, एक मॉलिक्यूल लिया है, इसका नेगेटिव लिया है, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव लिया है, इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। हमको ये देखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर वन, इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है, द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। ये ऐसा बोलता है कि कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, तो जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये एथेनॉल है, ये डाइमेथिल ईथर है, तो सबसे पहले बताओ क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, क्या बनाएगा भाई, क्यों बनाएगा, क्योंकि फोन फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ गया, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो इन बॉन्ड को जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनको तोड़ने के लिए हमको बॉइल करना है, तो भाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए हाई टेम्परेचर पर वो चीज़ बॉइल होता है, ठीक है, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब यहाँ पर देखो CH3 और CH3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट एच भी तो होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट एच है, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दूसरे के साथ, पर इसमें ऑक्सीजन के साथ एच नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ कार्बन ही होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन तो इसके पीछे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है विलयता में, यानी सॉल्युबिलिटी में। कंपाउंड दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O, जो कंपाउंड H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो H2O में सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में विलय होते हैं, ठीक है। जैसे लोअर एल्कोहल होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में घुलते हैं, मतलब पानी में विलय होते हैं, क्योंकि जो छोटे देखो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ROH होता है। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, भाई बना सकता है, क्योंकि O के साथ H है, ठीक है। किसके साथ बनाएगा, क्योंकि हम इसको किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, किस में हम इसको घोल रहे हैं, H2O के अंदर, तो H2O है H2O,
तो क्या H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा O के साथ H है, तो O के साथ H इसमें भी है, O के साथ H इसमें भी है, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कंडीशन होती है उसका पालन कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। यहाँ से भी ये एल्कोहल, ये भी इसके साथ बना रहा है, तो इसलिए क्या होता है कि जो एल्कोहल, छोटे एल्कोहल होते हैं जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ये H2O के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं, अच्छे से सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कोई शराब पीता है ना, शराब हम क्या करता है, पहले गिलास में शराब लेता है, एथेनॉल होता है वो, ठीक है, CH3CH2OH, उसमें पानी डालते हैं तो पानी भी क्या है, H2O है, एथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, H2O भी बनाता है, तो इसलिए वो घुल जाता है, इसलिए वो पानी मिलाते हैं उसको उसमें, ठीक है।